Tamina Julfa. Yeah. Julfa. I am going to Azerbaijan by road. Pakistan to Azerbaijan by road. Yes, yes. सामने है जी ईरान और अज़रबैजान का बॉर्डर, तो हम यहाँ से जाएंगे आगे अज़रबैजान के लिए। मुझे नहीं पता ये लोग जाने देते हैं या नहीं जाने देते। यस पासपोर्ट टिकट और वीज़ा हियर वीज़ा साथी। यस बिन दाखिल दिया हम मुस्तकी बिन दाखिल मुस्तकी। हां मुस्तकी जा सकते हैं। पाकिस्तान द फर्स्ट बाय रोड जी बाय रोड ट्रैफिक अज़रबैजान। ओके मुस्तकीम। हाँ मुस्तकीम मैं तो दाखिल सालों में। ओके ममनून थैंक यू ममनून। पासपोर्ट का पूछ रहे थे, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास। ये तो लिखा हुआ पैसेंजर हॉल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह हो गई है यहाँ पे और हम तब्रेज़ में पिछले कुछ तीन दिन से जो है ना आवारागर्दी कर रहे हैं। इससे पहले हम गए थे कल कंदवन विलेज में और वहाँ पे जो नोमैडिक लोग रहते थे उनका वहाँ पे पुराना विलेज था, पहाड़ के अंदर उन लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे वो देखा। फिर शाम को वापस आ गए और मैंने यहाँ से आज जाना था जुल्फ़ा के लिए। जुल्फ़ा के लिए यहाँ से ट्रेन भी जाती तब्रेज़ से जो सुबह 8 बजे जाती है, लेकिन मैं रात को वीडियोस एडिट करता रहा हूँ जिस वजह से मुझे जो ना रात को कोई 2-3 बज गया, सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। तो अभी मेरा प्रोग्राम है, मैं बाईपास पैर हुआ आपकी मोटरसाइकिल की आवाज़ इतनी ज़्यादा ना, तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं यहाँ से जुल्फ़ा के लिए जो ना बाईपास के ज़रिए जाऊँ और वापसी शाम को 5 बजे वहाँ से ट्रेन आएगी तब्रेज़ के लिए। अगर आपने वापस आ रहे हैं अज़रबैजान से तो ट्रेन के ज़रिए भी आ सकते हैं, अगर आप यहाँ से जुल्फ़ा के लिए जा रहे हैं तो सुबह 8 बजे ट्रेन यहाँ से जाती है जुल्फ़ा बॉर्डर के लिए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर फ़िलहाल क्लोज़ है, 1 नवंबर को ओपन होना है, तो ट्राई करते हैं जाके। मे भी वो हमारी बात मान जाए, रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं पाकिस्तान से इसी नीयत से चला था कि मैंने बाई रोड अज़रबैजान को विज़िट करना है, तो आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। हम यही हमारा प्लान है कि हम बाई रोड ही जाएँगे और वापस फिर फ्लाइट ले के बापू से लाहौर के लिए। सलाम सलाम हेलो खूबी ममनून मेर्सी खूबी खूबी। और यहाँ पे ये बता रहा था गाड़ी वाला कि आज बस नहीं जाए क्योंकि आज जुमा है, जुमे वाले दिन यहाँ पे छुट्टी होती है। बसें जो बहुत कम जाती हैं, अगर जाती हैं वो सुबह के टाइम जाती हैं। तो ट्राई करते हैं जी क्या सीन होता है, अगर ना बस गई तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से टैक्सी के ज़रिए जाएँगे जुल्फ़ा और जाके हम फुल ट्राई करेंगे कि आज बॉर्डर क्रॉस करें इंशाल्लाह। इस तरफ से भी जाना पड़ेगा, यहाँ पे फारसी की इतनी जल्दी समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़ा बस ऑटोबस टैक्सी ऑटोबस ऑटोबस नो प्लीज वाई जुमा जुमा एम्बुलेंस नहीं जुमा नहीं। अच्छा हाँ जुमा नहीं अच्छा टैक्सी जस्ट टैक्सी। बस टर्मिनल सारा खाली पड़ा है, अभी टैक्सी के ज़रिए जाना पड़ेगा। उसने कहे थे 6,50,000 पाकिस्तानी को बन जाएंगे तकरीबन कोई 5,550 के अराउंड अबाउट। ठीक है अभी टैक्सी पे जाते हैं और क्या करना, बस तो कोई भी नहीं जा रही। यहाँ पे भाई जान पहले उनसे कंफर्म करना पड़ता टैक्सी वाले, नहीं तो वो आपको चूना लगाते हैं। अच्छा भला नो नो जुल्फ़ा 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 चंद कीमत 605 तुम्हार 605 तुम्हार नफर वन फोर नफर फोर नफर 206 तुम्हार। तो यहाँ पे इनके साथ जो है ना बार्गेनिंग शुरू है। फोर नफर फोर नफर टोटल टोटल
اوکے وان نفر جس فور نفر اوکے آئی ویل وی اوکے شبلائے شبلائے شیدا اوکے ابھی دو سواریاں یہاں پہ بن گئی ہیں میں اور یہ بابا جی خوبی اور بھائی جان جو ہے وہ رولا ڈال رہے ہیں کچھ سواریاں دو اور پوری ہو جائیں تو پھر ہم یہاں سے حرکت کریں گے مشین مشین حرکت خوبی ایرانی پاکستانی ایرانی آئی ہم پاکستانی اس میں چاہیے محمد سنگل محمد زلفا زلفا آذر بھائی جان تو ابھی جو ہے نا یہاں پہ سواریاں ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہیں 15-20 منٹ ہو گئے ہیں آج جمعہ ہے یہاں پہ آٹو بس اس لیے نہیں جا رہی ہے جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے کیسے آ کے چمڑ گئے ہیں سواری کو فل یہاں پہ دوڑ بگائی شروع ہے سواری آتی ہے تو کوئی بھاگ کے ادھر جاتا ہے اور کوئی ادھر جا رہا ہے زلفو آوازیں دے رہے ہیں یہاں پہ اور ہر ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میری سواریاں پوری ہوں میں یہاں سے لے کے جاؤں ایک سواری یہاں پہ کہتے ہیں نفر کتنے نفر ہو گئے تو یہاں پہ ایک نفر رہتا تھا تو انہیں کوئی دو پارسل مل گئے انہوں نے کہا میرا حساب جو پورا ہو گیا ابھی ہم نے انتظار نہیں کرنا تو یہاں سے چل پڑے ہیں زلفا کے لیے اور تقریباً یہ کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے 145 کلومیٹر بنتا ہے انشاءاللہ 2 گھنٹے کے اندر ہم زلفا پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے آج ہم بارڈر کراسنگ کریں گے بائی روڈ تو ایک جو جذبہ بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بننا ہے وہ بارڈر کراس کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ فی الحال کلوز ہے تو دیکھیں گے بارہ ریکویسٹ کریں گے ان کو کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم پاکستان سے آذربائیجان بائی روڈ سفر کر رہے ہیں اگر وہ مان گئے تو یہ گڈ ہے اگر نہ مانا تو پھر اس کا متبادلہ حال یہ کہ فلائٹ لے کے ہم جا سکتے ہیں ہیلو اور یہ بھائی جان جو ہیں ہیلو پاکستان ٹورسٹ اور اس میں چاہیے ناصر اس میں چاہیے تیمینہ زلفا زلفا آئی ایم گوئنگ ٹو آذربائیجان بائی روڈ پاکستان ٹو آذربائیجان بائی روڈ یس یس سو ٹورسٹ یس آئی وزٹ زاہدان ٹو بیرجان مشہد اس کے بعد تبریز بیفور تبریز شیراز اصفہان کاشان یس 25 ڈیز ٹریول ان ایران 25 ڈیز یس ٹریولنگ ان ایران آئی ڈونٹ نو پلیز اگین پروٹیسٹ یس یس It is very difficult for me traveling in these days Iran. Belt. Ab main bhi pehen leta hu kyunki ye safety ke liye zaruri hota hai aur jitni speed hai na yahan pe bande ka bachna kuch nahi hai. Safety must hai. Jidhar bhi travel karo ye pehen lo. Mujhe to yaad nahi tha jab chacha ne brake lagayi na abhi yahan se kuch 2-3 minute pehle to mera sar tha idhar. Shukr hai bajar ho gayi hai. اور بیلٹ اس لیے لگا لیا تاکہ اگر دوبارہ کوئی ایسا سین ہو تو کم سے کم بندے کی بچت تو ہو جائے نا یہاں پہ کچھ ایسا سین ہے باہر کا یہاں پہ جو پہاڑ ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ گھاس وغیرہ اگ جاتا ہے اس طرف یہ جا رہا ہے جی فارنر کا گروپ ٹور دیکھیں سبھی سائیکلز کے اوپر آئے ہوئے ہیں میرے خیال سے ان لوگوں نے بھی شاید آذربائیجان جانا ہے پوری ایک لائن ہے یار کیا مزہ سائیکل کا یہاں پہ ٹریول کرنے کے ایک لائن کے اندر جا رہے ہیں واو سو نائس میں نے ایران کے اندر دیکھا اتنے فارنر آتے ہیں اتنے زیادہ جس ہوسٹل میں بھی چلے جاؤ جس ہوٹل میں بھی چلے جاؤ وہاں پہ آپ کو فارنر ملیں گے سری لنکا پولینڈ آسٹریلیا سری لنکا
तो यहाँ पे यार एक चीज़ मैंने नोट की है कि मैंने अक्सर लोगों को इनवाइट किया है कि आई इनवाइट यू कमिंग टू पाकिस्तान, तो लोगों ने मुझे ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया इस चीज़ के पीछे। इस जब मैं ये उनका इंटरेस्ट देखता ना, वो यानी कि इग्नोर कर देते, नहीं शायद कुछ सिक्योरिटी या सेफ्टी का मसला है, या वो पाकिस्तान से शायद वो उनको अच्छा नहीं समझते। इस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। वैसे आपके ख्याल में ये क्या बात हो सकती है कि फंड को जब मैं इनवाइट करता हूँ कि पाकिस्तान में आओ, उनका जो है ना रवैया वो पॉजिटिव नहीं होता, वो नेगेटिव ही होता है, यानी कि वो सॉरी गा लेते कि हमने नहीं जाना। आपके ख्याल में ये क्या बात हो सकती है, हालांकि ईरान के ऊपर इतनी पाबंदियाँ हैं, यहाँ पे इंटरनेट का मसला और प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट के बावजूद भी यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉरनर देखे हैं यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि फॉरनर का पाकिस्तान के बारे में ऐसा नेगेटिव रवैया क्यों है, वो क्यों नहीं आना चाहते। वैसे हमारे पाकिस्तान में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, अगर फॉरनर पाकिस्तान में ज़्यादा आएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। बाहर से वो डॉलर लेके आएंगे और यहाँ पे खर्च करके जाएंगे, ठीक है, तो डॉलर हमारे मुल्क में आएगा, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो काश फॉरनर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में आए, हमारे नॉर्थ एरिया में जाए। नॉर्थ एरिया हमारा इतना खूबसूरत है ना, मैं कहता हूँ ये ईरान की खूबसूरती तो कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे नेचुरल व्यू, माउंटेन, पहाड़, क्या बात है। यहाँ पे जैसे खुशक पहाड़ हैं या कल्चरल है या हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत कम हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं, मुझे लगता है कि आज जो है ना बारिश आएगी यहाँ पे भी। चलें बारिश भी इंजॉय करेंगे ईरान में। यहाँ से बॉर्डर और ये जुल्फा का जो सिटी है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बस नॉर्मल है। तो मैंने भाई को बोला है कि मुझे ना बॉर्डर के ऊपर छोड़ के आए, कह रहे ठीक है जी छोड़ आते हैं, लेकिन दुकान ने यहाँ पे खूबसूरत है। और ये लास्ट सिटी है ईरान का, और फिर से आगे जो है आज़रबैजान शुरू हो जाता है। इसके अलावा दो बॉर्डर और हैं, एक बॉर्डर ऑस्ट्रिया है और एक बॉर्डर उसका भी मुझे नाम नहीं आ रहा। तीन बॉर्डर्स के ज़रिए आप जो है ना बाई रोड आज़रबैजान जा सकते हैं, एक जुल्फा, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा बॉर्डर मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो कहते हैं खुफिया बॉर्डर, वो छोटा सा बॉर्डर है, वहाँ से जो है ना बॉर्डर क्रॉस करना बहुत आसान है। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो आपको इसका नाम पता चल जाएगा, वहाँ पर रश नहीं होता, बड़ी ईजिली आप जो है ना बॉर्डर वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। हम तो जुल्फा से ट्राई करते हैं क्योंकि ये मेन बॉर्डर है, शायद यहाँ पे हमारी कोई बात सुनी जाए। नमाज पढ़ी है और अल्लाह पाक से दुआ की कि हमारे हक में जो बेहतर हो वो ही हो जाए। अब पता नहीं बॉर्डर क्रॉस होता है या नहीं होता, ये तो भी अल्लाह पाक को पता है, बाकी वहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ से जो नेक्स्ट इनका सिटी है वो है नक्चिवान, तो यहाँ से 40 किलोमीटर है, टैक्सी के ज़रिए वहाँ पे जाना पड़ता है, शेयरिंग टैक्सी जाती हैं, और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके इनका जो नेक्स्ट सिटी है बाकू, तो बाकू में वहाँ से आप जो ना बजरिया एयर जाएंगे। अभी पता नहीं जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन फुल ट्राई है कि हम इंशाल्लाह आज बॉर्डर को क्रॉस करें। ये सिर्फ छोटा सा पार्क है, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। तो ये ईरानी लोग जो है ना, ये अपने त्योहारों को, अपने फंक्शंस को बड़े अच्छे तरीके के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये पार्क के अंदर सारी बैठी हुई हैं फैमिलीज। इस तरफ ये मार्केट है जो बॉर्डर के ऊपर है, जुल्फा बॉर्डर, इतनी ख़ास नहीं है मार्केट।
ये सारी मार्केट है इसकी साइड के, और ये सेंटर में रोड के अंदर देखें ये फूल लगाए हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। सामने है जी ईरान और आज़रबाईजान का बॉर्डर, तो हम यहाँ से जाएंगे आगे आज़रबाईजान के लिए। मुझे नहीं पता ये लोग जाने देते हैं या नहीं जाने देते, लेकिन हम ट्राई करेंगे। इसको अभी हमने क्रॉस करना है, पासपोर्ट दिखाना है और वीज़ा दिखाना है, देखते हैं क्या सीन होता है। और इस तरफ ये मार्केट है जुल्फा सिटी, तो खूबसूरत है ये भी। अभी बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है। बहुत खूबसूरत है बाहर से, तो अभी अंदर जाएंगे तो देखेंगे। यस पासपोर्ट, यस पासपोर्ट टिकट और वीज़ा हियर, वीज़ा साथी। यस बिरन दाखिल दिया आज हम मुसा की बिरन दाखिल मुसा की। हां मुसा जा सकते हैं पाकिस्तान में फर्स्ट बाय रोड जी, बाय रोड ट्रैफिक आज़रबाईजान। ओके मुस्तकीम, हाँ मुस्तकीम, मैं तो दाखिल सालों में। ओके ममनून, थैंक यू ममनून। पासपोर्ट का पूछ रहे थे, वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये तो लिखा हुआ पैसेंजर हॉल। अभी जाते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन होता है। तो बहुत दुख होता है जब आप बॉर्डर तक पहुंचे और आपको वापस भेज दिया जाए, यार ये अच्छी बात नहीं है। बाकी सारे लोग जा रहे हैं, ईरानी भी जा रहे हैं, आज़रबाईजान वाले भी जा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों को वहाँ से पीछे कर देते हैं, ठीक है। वो कह रहा था कि मैं आपको यहाँ से जो है ना स्टैंप कर देता हूँ एग्ज़िट की, और आगे आपको जो है ना आज़रबाईजान पुलिस वो कबूल नहीं करेगी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की, यार मैं प्रोग्राम मेरा ये था पाकिस्तान से मैं आज़रबाईजान बाई रोड जाऊँ, तो वह कहता है कि नहीं जा सकते, मैं यहाँ से ठीक है आपको एग्ज़िट की कर देता हूँ, आगे उन्होंने आपको कबूल नहीं करना, फिर आप क्या करोगे वहाँ पर। तो मैंने उनसे पूछा आस्ट्रा और दूसरा वगैरह, कोई बॉर्डर भी फ़िलहाल जो है ना ओपन नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो आप यहाँ से जाएँ। तबरेज़ से भी फ़्लाइट जाती है और बाकू के लिए, इसके अलावा तेहरान से भी फ़्लाइट जाती है। बस ये सीन हुआ है, अभी देखते हैं वापसी तबरेज़ जाएँ या इधर ही ठहरें। यहाँ से ट्रेन भी जानी है 5 बजे, हो सकता है मैं ट्रेन की टिकट ले लूँ और ट्रेन के ज़रिए मैं चला जाऊँ वापस तबरेज़। पीछे बॉर्डर है, इन लोगों ने मुझे नहीं जाने दिया, बहुत दुख हुआ है यार। आए तो कहते हैं ना वो झटका लग गया है, कहाँ से चला पाकिस्तान से और कहाँ तक आया, ईरान का लास्ट सिटी है जुल्फा, और यही सोच के आया था कि मैंने इसको बाई रोड ही गुजरना है, लेकिन बाई रोड हम नहीं जा सके। अब दूसरा हाल ये कि फ़्लाइट के ज़रिए हम जाएँ, तो बैड सीन हुआ है जब के भाई के साथ। बोलने को बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा, क्या बोलूँ। ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, कुछ खाते हैं अभी तो भूख भी लग गई है, खा के फिर यहाँ से निकलते हैं किसी साइड पे, या होटल लेते हैं या फिर हम यहाँ पे ट्रेन के ज़रिए चले जाते हैं या फिर टैक्सी के ज़रिए जाते हैं। ये है जी जुल्फा रेलवे स्टेशन, अभी जाते हैं अंदर टिकट लेते हैं, पता नहीं टिकट मिलती है या फुल है। वैसे तो यहाँ ईरान के अंदर ऑनलाइन ही परचेज़ करनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन हमने परचेज़ नहीं की, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा होगा। इस तरफ ये बाज़ार है, ये है जी ईरान का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे तो डब्बे खड़े हैं बोगियाँ, और यहाँ पे इंजन नहीं है, कोई ऐसा सीन है इधर। तो कह रहे हैं यहाँ से 5 बजे चलनी है, कुछ 6 बजे चलनी है, लेकिन टिकट यहाँ पे जो बंदा टिकट देता है उसका ऑफिस बंद है, पता नहीं आज ये जाती भी है या नहीं जाती। यहाँ पे इंजन नहीं है इसके साथ, सिर्फ बोगियाँ ही खड़ी हैं, चंद एक मुसाफिर थे। तो आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है, चलो बॉर्डर से तो हम नहीं जा सके, चलो आज ट्रेन का झूठा ले लेंगे, ईरान की ट्रेन कैसी है और कितना टाइम लगाती है। 140 या 50 किलोमीटर सफ़र है यहाँ से जुल्फा से तबरेज़ के लिए, और इस ट्रेन के अंदर हमने सफ़र करना है। इंजन नहीं है फ़िलहाल इसके साथ, इंजन शायद अभी ये लगाएंगे या क्या सीन है इस चीज़ का, मुझे नहीं कोई भी आइडिया। तो ट्रैवल के अंदर बंदे को अगले आने वाले मिनट का भी नहीं पता होता है कि क्या होना है या नहीं क्या होना है और क्या कुछ नहीं हो सकता। आए तो हम फुल तैयारी के साथ थे कि हम यहाँ से जाएँगे आज़रबाईजान बाई रोड,
लेकिन वहाँ पे नहीं जा सके। इसके अंदर भी शायद कोई बेहतरी होगी अल्लाह पाक की तरफ से। तो अब वापसी तेहरान से जाके देखेंगे फ़्लाइट के क्या रेट्स मिलते हैं। अगर मुझे रेट पाकिस्तान के नज़दीक नज़दीक मिलता हो फिर मैं यहाँ से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से आगे चला जाऊँगा बाकू के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खूबी फ्रॉम पाकिस्तान। यस, ये क्यूट बच्चे देखे। हेलो 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 हाउ आर यू थैंक यू हाउ आर यू थैंक आई एम फाइन। इसरो ये देखे माशाल्लाह क्यूट बेबीज। इसमें चे फरिश्ते 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 माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। माइदा योर डॉटर योर अच्छा ओके ओके ठीक है जी। अब नहीं वो तो ये जी ईरान की ट्रेन। थैंक यू। हरकत 5 PM हरकत 6 PM एंड टिकट बलीत बलीत रिया बलीत बलीत नो हाँ अच्छा बद बलीत नो ओके। तो भाईजान ये भी कह रहे थे कि टिकट वाला अभी तक बंदा नहीं आया, इंतज़ार करते हैं देखे कब तक आता है। आपका भाई आज सफर कर रहा है दुनिया की सस्ती तरीन ट्रेन के अंदर 150 किलोमीटर सफ़र सिर्फ पाकिस्तानी 40 रुपये में। 150 किलोमीटर सफ़र कितने में इस पर पाकिस्तानी 40 रुपये 5,000 मान बनते हैं। ये इंतहाई सस्ती है। तो मैं जुल्फा भी आया था और जुल्फा से मुझे नहीं जाने दिया, फिर मैंने कहा मैं ट्रेन के जरिए जाता हूँ। तो 3 घंटे मैंने इंतज़ार किया है। तो अभी 6:30 यहाँ से निकली है, 6:03 पर ट्रेन यहाँ से कह रहे 3 घंटे आपको ये लगाएगी तबरेज़ का। और फिर तबरेज़ में जाकर देखिए अगर तुम्हें वहाँ से बस मिलती तो हम बस लेके चले जाएंगे तेहरान, अगर बस ना मिली तो वहाँ पर स्टे कर लेंगे तेहरान आज तबरेज़ में। और फिर सुबह निकलेंगे तबरेज़ से आगे तेहरान के। अच्छी यार इस ट्रेन की जो सीट्स हैं ना बहुत अलग क्वालिटी की हैं। यूँ समझे कि बंदा जो है ना पाकिस्तान के अंदर यूटान के अच्छे टैमन के अंदर बैठ के सफ़र कर रहा है और ना यहाँ पे कोई शोर आ रहा है इतना ज़्यादा। और जो हमारी ट्रेन हैं उनका तो आपको पता ही होगा बिजनेस क्लास तो अच्छी है, लेकिन जो इकानमी क्लास है उनका तो बस अल्लाह ही आप रही है इकानमी क्लास ट्रेन है। तो मेरा नेक्स्ट जो प्लान है वो इंशाल्लाह बिजनेस क्लास का है तेहरान से जो है ना बंदरबास के लिए। अगर मैं बदरिया फ्लाइट अज़रबैजान यहाँ से ना करूँ तो पाकिस्तान से जाकर फ्लाइट लेके मैं अज़रबैजान के लिए जाऊँगा। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी सस्ती टिकट जस्ट 40 रुपये के अंदर 150 किलोमीटर का सफ़र 140-150 किलोमीटर बहुत सस्ती है। और सीट्स की क्या ही बात है ना, कोई अंदर मट्टी कोई गर्दोबार नहीं है। और जैसे ही ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया तो उस बंदे ने इसके जो गेट्स हैं उसको लॉक कर दिया, कोई बंदा उसको ओपन नहीं कर सकता। ठीक है जब स्टेशन पर जाकर रुकेगी तो तब वो गेट को ओपन करेंगे फिर हम बाहर जाएंगे। और हमारे यहाँ जो क्या होता है जी गेट्स जो है ना वो खुले रहते हैं, वो बाहर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। और सीट्स फुल थी तो मुझे पुलिस वाले ने बोला कि आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं मैं खड़ा होकर चला जाऊँगा लेकिन मैंने जाना ट्रेन पर ही है। तो जैसे मैं इंटर हुआ उस बंदे ने बोला जा वो सीट पड़ी उधर जाकर बैठ गए। मैंने बोला थैंक यू यार 3 घंटे कह रहे 3 घंटे आपको लग जाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं सीट मिल गई आप जो ना सफ़र हमारा ईजी हो जाएगा। तो तबरेज़ के जी रेलवे स्टेशन पे हम आ चुके हैं, यहाँ से अभी टैक्सी लेनी है और टैक्सी लेके मैं चला जाऊँगा आगे अपने हॉस्टल पे, फिर वहाँ सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे आगे तेहरान के लिए। ट्रेन फुल थी, बहुत सारी जो सवारियाँ वो जो ना खड़ी हो गई आई हैं और हमें उस पुलिस वाले ने सीट दे दी थी आप जो ना सीट के ऊपर बैठ जाएँ। लोग जब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, हम हमारा तो यहाँ पे घर नहीं है लेकिन हम हॉस्टल में जाएंगे आज। जुल्फा से हम आए थे रात को तबरेज़ के अंदर और फिर तबरेज़ से मैं आ गया था अपने उसी पुराने हॉस्टल के अंदर जहाँ पिछले मैं कोई 3 दिन से रह रहा था। बाकी सारी स्टोरी का तो आपको पता ही होगा कैसे मैं बाटा तक गया, वहाँ पे
उन लोगों ने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। वो कह रहे थे कि यहाँ से तो आपकी हम एग्ज़िट की स्टैंप लगा देंगे, लेकिन आपको आज़रबैजान पुलिस वो कबूल नहीं करेगी, फिर आपके लिए मसला होगा। तो उन्होंने यही बोला है कि आपके लिए बेस्ट यही है कि आप जो ना बजरिया फ़्लाइट जाएँ। तो फिर मैं वापसी आ गया, और जो ट्रेन थी ना उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, एक चीज़ की मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई कि अगर आप बस के अंदर सफ़र करते हैं तो वो जल्दी पहुँच जाती है, अगर ट्रेन के अंदर करते हैं तो ट्रेन का जो टाइम है वो ज़्यादा लगाती है। आपने सुबह हम गए थे टैक्सी के ऊपर गालमून को, 1.5-2 घंटे लगाए होंगे, और आते हुए उस ट्रेन ने 3 घंटे लगा दिए। 6:30 वहाँ से स्टार्ट हुई थी और 9:30 उसने मुझे तबरेज के अंदर पहुँचा दिया। और मैं तो कहता हूँ दुनिया की सस्ती तरीन ट्रेन है, 150 किलोमीटर के पाकिस्तानी सिर्फ 40 रुपये, मतलब के $1 का 1/4 हिस्सा, इतनी सस्ती ट्रेन है ईरान के अंदर। और फिर रात को मैंने अपनी जो टिकट थी ऑनलाइन इन हॉस्टल वालों से बुक करवा ली थी तेहरान के लिए। यहाँ से भी मुझे जाना है बस टर्मिनल पे, फिर वहाँ से मैं अपनी VIP बस के अंदर टिकट करवाई है, तो वहाँ से मैं जाऊँगा आगे तेहरान। फिर तेहरान जाकर देखेंगे हमें वहाँ पे ट्रेन की टिकट मिलती है या हम वहाँ से भी बाई बस जाते हैं, जिधर भी जाना होगा। तो इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह आपको एक नई ट्रैवल जर्नी के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं बाहर बैठा यहाँ पे, ये परिंदों की आवाज़ सुन रहा था वहाँ पे, चिड़ियाँ और छोटे छोटे परिंदे। ये सुबह के टाइम इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है ना, ये वहाँ पे ये बैठी हुई है फाख्ता, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है।